नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनू सागर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी गाड़ी में पेट्रोल में डिस्टिल वाटर मिक्स करते तो क्या होगा। पेट्रोल और डिस्टिल वाटर को मिक्स करके, मतलब पहले मैं बता देता हूँ कि जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर ऐसा होता है जिसमें लोहा या आयरन टच नहीं होता है, उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं। और पेट्रोल आपको मालूम है जिससे गाड़ी चलती है, और इसको आपस में अगर मिक्स कर देंगे तो क्या गाड़ी चलेगी, क्या गाड़ी स्टार्ट होगी, वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। क्या मिसिंग की प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है, वो चीज़ हम आज इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्टिल वाटर को पेट्रोल में मिक्स कर देता हूँ, और इसके बाद आप देखेंगे कि डिस्टिल वाटर नीचे रह गया और पेट्रोल ऊपर है, क्योंकि पानी भारी होता है, पेट्रोल हल्का होता है। ठीक है, अब इसको मैं अपनी गाड़ी में डालता हूँ। पहले मैं एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि गाड़ी अभी नॉर्मल कैसी स्टार्ट है। तो अभी मैं फ़िलहाल स्टार्ट करता हूँ जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल रहता है टैंक के अंदर, उस कंडीशन में। तो अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है बिल्कुल नॉर्मल, और कोई मिसिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होती है। ठीक है, इसके बाद मैं इग्निशन ऑफ किया, यहाँ इसका टैंक लॉक खोला, और इस तेल को आपस में मिक्स कर देता हूँ। ये मिक्स हो गया है, अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, नो कटिंग, डायरेक्ट गया है इसके अंदर, कोई कटिंग कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ चला गया। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं क्या गाड़ी स्टार्ट होती है, और गाड़ी स्टार्ट होती है तो कितने टाइम बाद और कहाँ पे से पेट्रोल में पानी मिक्स होना स्टार्ट होता है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और पानी भारी होता है। अब मैं दिखाता हूँ पानी किस जगह से आना स्टार्ट होगा। सबसे पहले अगर आप पेट्रोल में पानी या डिस्टिल वाटर कुछ भी मिक्स करते हैं तो उसको कार्बोरेटर तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और मैं बताता हूं कैसे पहुंचेगा वो। यहां पेट्रोल टी में आएगा, यहां एक बॉल या फिल्टर कह दीजिए, इसके अंदर रुकेगा, इसके बाद यहां आएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर जब स्टोर हो जाएगा उसके बाद गाड़ी कैसी मिसिंग करेगी मैं दिखाता हूं। ठीक है, उसके बाद जब ये पानी और पेट्रोल आपस में मिक्स हो गए, पूरा कार्बोरेटर के अंदर आएंगे, उसके बाद गाड़ी मिसिंग कुछ इस तरह करने लगेगी। जैसे ही उसके अंदर पेट्रोल और पानी मिक्स होगा, गाड़ी आपकी थ्रॉटल नहीं पकड़ेगी, रेस नहीं लेगी। ठीक है, अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि पेट्रोल और पानी का क्या हाल हो जाता है। आपको बताता हूँ कि आखिर हमारे टैंकी के अंदर जो पेट्रोल मिक्स होता है या पानी मिक्स, सॉरी, जो हमारी टैंकी के अंदर पानी मिक्स होता है वो क्यों होता है। यहाँ पर एक ये छेद दे रखा है, ये होता है ओवर, जो यहाँ पर बारिश का पानी है, जो भी यहाँ पर रुक जाता है कचरा, वो इस होल के थ्रू बाहर निकल जाता है। पर यहाँ पर क्या है, ये गंदगी डस्ट की वजह से इसके अंदर रुक जाता है और वो अंदर चले जाता है, और अंदर जाता है उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं इसका पेट्रोल और पानी, उसकी कंडीशन दिखाते हैं क्या हाल हो रखा है इसका। तो अब हम मैंने पेट्रोल टी खोल दी है और मैं इस बोतल के अंदर निकालता हूँ जो हमारा पेट्रोल और पानी मिक्स हो रखा था दोनों को, और देखते हैं उसका क्या कंडीशन होता है और क्या मिक्सअप होता है। रखिए, नीचे रखिए। नीचे से दिखाइए, नीचे से। सर, अरे यार, ये चीज़ हमेशा ऐसी दिखाई जाती है, वीडियो ऐसी ही शूट होती है। तो अब हम देखेंगे, देखिए हमारा जो पेट्रोल है वो यहाँ से यहाँ तक है, और इतने बीच का जो है ये चीज़ पानी और पेट्रोल दोनों काफ़ी अच्छे से मिक्स है, तो यहाँ पे एक अलग कलर बन गया है, और नीचे वाला हमारा प्योर पानी है। ठीक है, अब इसको कुछ देर ऐसे ही रख देते हैं हम, और देखते हैं कैसे ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो फाइनली मैंने गाड़ी में सारी सफाई कर दी है, और यह हमारा है जो वाटर मिक्स पेट्रोल है या डिस्टिल वाटर मिक्स पेट्रोल है, और ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ पेट्रोल पम्प से। अब इस पेट्रोल को मैं डाल दूँगा, और इस पेट्रोल को डालने के बाद ये पेट्रोल यहाँ से आना चालू हो जाएगा, इस जगह से देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं लगा देता हूँ पेट्रोल पाइप, पेट्रोल पाइप लगा दिया। अभी मैंने ये खोल लगाया, नीचे यहाँ से निकलने लगा। अब मुझे चाहिए ये पेच, उसके बाद इसको टाइट कर देना है, और ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके।
तो सारा काम कंप्लीट हो गया, सारा जो वाटर था वो निकाल दिया गया। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं। और गाड़ी हमारी दोबारा से स्मूथ हो चुकी है। अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल या पेट्रोल के अंदर पानी, डिस्टिल वाटर कुछ भी मिक्स हो जाता है तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आप वीडियो देखें कि ये मिक्स कर लो गाड़ी चलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल से गाड़ी चलती है, सिर्फ पेट्रोल से ही चलेगी। मेक श्योर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।